पाकिस्तान ने रिहा किते 203 भारतीय मछुआरे। ये मछुआरे अटारी वाघा सरहद राही पहुंचे भारत। पिछले दो दिनों तो भुख नाल तड़फ रहे सी मछुआरे। एसजीपीसी ने लगाया लंगर। भारत अते पाकिस्तान विचाले हुए समझौते दे अनुसार 203 भारतीय मछेरे जो जेला च लंबी सजा पूरी कर चुके ने अज वाघा अटारी सरहद राही भारत परते ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों पिछले दो दिनों तो भुखमरी नाल जूझ रहे भारतीय मछेरियां दे लई अटारी सरहद विखे देर रात लंगर दा प्रबंध किया गया। कराची दी लाडी जेल तो रिहा हुए भारतीय मछेरियां दी वापसी भारत पाकिस्तान पीस फाउंडेशन अते लोकतंत्र दे अणथक यतना सदका संभव हो चुकी है। घर परते मछेरियां ने दस्या कि परिवार दा पेट पालण लई गुजरात सागर च मच्छियां फड़न दौरान गलती नाल पाकिस्तान दे खेतर च दाखिल होण ते ओ गिरफ्तार किते गए सन। पाकिस्तान जल सेना ने 24 भारतीय मछेरियां नूं गिरफ्तार किया है। ओ 30 महीनियां तो बाद घर परते ने। मछेरियां ने भारत पाकिस्तान सरकार दे नाल नाल समाज सेवी संस्थावां दा भी विशेष तौर ते धन्नवाद किया है जिन्हां ने उन्हां दी रिहाई दे विच मदद कीती है। इह मछेरे गुजरात मध्य प्रदेश अते होर वख-वख राज्यां दे ने। पाकिस्तान दी लाडी जेल कराची तो रिहा होए भारतीय मछेरियां नूं पाकिस्तान दी मशहूर संस्था ईडीआई फाउंडेशन कराची दे अहुदेदारां वल्लों उन्हां दे घर वापसी ते सन्मानित कीता गया। भारतीय मछेरियां नूं घर घर पहुंचाउण दे लई अटारी सरहद ते कागजी कारवाई पूरी करन तों बाद इन्हां मछेरियां नूं देर रात अमृतसर लिआंदा गया जिथों ओह अज गुजरात लई रवाना हो गए ने। जी आपका नाम और का? हमारा नाम उमेश है। हम मच्छी का धंधा कर रहे थे गुजरात से। वहाँ पे समुंदर में मछलियाँ मारते मारते वहाँ पे हमको पकड़ कर ले गए पाकिस्तान। अभी हमको 3 साल हो गया और भी हमारे भाई हैं पीछे जो 2020 में पकड़े गए थे। हम लोग 2021 में पकड़े गए थे। 2020 वाले अभी रह गए, हम 2021 वाले को छोड़ दिया। 80-82 बंदे और भी रह गए हैं, उनको हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे उन भाइयों को भी छुड़ाने का कोशिश करें। तो आपको छुड़वाया, कितने बंदे आए हैं, क्या धन्यवाद करते हैं सरकार? हम भारत सरकार को ये धन्यवाद करते हैं कि पीछे भी 200 बंदे पहले भी छोड़े थे और 200 बंदे अभी भी छुड़वाए, तो हम भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। तो जो आपको कोई दरखास्त वगैरह लिख के दिए वहाँ के बंदे? जी सर, हमें दरखास्त लिखे हैं, जितने भी बंदे अभी बाकी रह गए हैं 2020 वाले हैं ये उनका इसमें हम लिखे हैं दरखास्त, ये हमारे पास में है, उनके नाम भी हैं जो वहाँ पर है, जो वहाँ पे अभी 2020 वाले रह गए हैं ये उनके नाम है। तो ये दरखास्त कहाँ दोगे आप? ये दरखास्त हम भारत सरकार को किसी ऐसे अफसर को देंगे जो इनके ऊपर अमल करे और कार्रवाई करके उनको छुड़ाने की कोशिश करे। लालजी भाई नाम, लालजी राजू सिंगड़। क्या कहना चाहते हो, कैसे पकड़े गए थे आप? हम समुंदर में से पकड़ा था, लांच में धंधा कर रहा था, समुंदर में पता नहीं चल रहा था पानी का, वो पाकिस्तानी नेवी आके हम लोग को पकड़ लिया था। क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? हमको जेल काट के 3 साल बाद हम घर जा रहा है। हम लोग तो पीछे था, हमारा से आगे हमारा भाई था 2020 वाले लोग, 82 बंदे था वो, इसमें थे 80 बंदे कट गया है। वो लोग को कोर्ट नहीं ले गया है तो वो लोग की कोर्ट भी नहीं आया था। कोर्ट आया तो वो लोग को सुप्रीम कोर्ट का जज आया था हमारा पास, जज साहब ने बोला था हम लोग को कि वो बंदा को, तो हम लोग को सबको इकट्ठे कर लिया था, वो 82 बंदा को छुपा दिया था एक जात दूसरी जेल में छुपा दिया। तो वो लोग का क्या कसूर है? वो लोग को भी बीबी बचाए, घर बार है, मम्मी पापा सब है ना, तो वो लोग को भी भारत सरकार सब सब रिहा करेगा वेला, तो वो लोग को भी सही लगेगा। हम आ रहा था भारत सरकार, तो वो लोग को तो बहुत थोड़ा परेशानी भी होता है, वो लोग के वो लोग जा रहा है हमारा पिछले वाला, हम आगे वाला था तो हमारा क्या होएगा? कोई कोई रो रहा था, कोई कोई नहीं खाना खा रहा था, कोई भी तो टेंशन में आएगा ना, कोई कोई शरीर में वो दर्द हो गया था, ऐसा ऐसा सबको होएगा ना। उन्होंने तो आपको लेटर भेजी है कि आप बताइए जरा इसके बारे में। हाँ, वो लोग ने दरख्वास्त लिख के भेजा है कि भारत सरकार को थोड़ी रिप्लाई करो हमारे लिए कि हमको भी जल्दी जल्दी रिहा ना करेगा, हमारा क्या कसूर है, तो हम लोग को काट दिया। पहले कितने बंदे आए थे, अब कितने आए? पहले 200 बंदे आए थे, बाद में हमको 200 बंदे का आया। तो कितनी खुशी है घर जाने की? हमको खुशी है घर जाएगा, हम जेल काट के आया है तो हम घर जाएगा, तो हम तो बहुत खुशी है। भारत सरकार का धन्यवाद। भारत सरकार को धन्यवाद है, हम लोग को छोड़ा है, वो लोग को भी जल्दी रिहा करो तो सही है। हाँ जी, अपना नाम बताकर कहाँ के रहने वाले, तो क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? मेरा नाम है भील भरत भिखा भाई, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और हम मछली पकड़ते थे गुजरात के समंदर में, तो वहाँ से हम पकड़े गए थे, तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि वहाँ कौन सा बॉर्डर लग रहा है।
और ये और पकड़े गए तो क्या हुआ वहाँ पर, कितने साल गुजारे आप? हम वहाँ 2.5 साल गुजार के आए हैं। तो हमारे आगे के पीछे बंदे है जो 2020 के पकड़े गए थे, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है, उसका कोई कोर्ट भी नहीं हुआ है। जो हमारे आगे है तो उसको क्यों नहीं निकाला अपनी सरकार ने? तो उन बंदों ने आपको कुछ लेटर वगैरह लिख के दिए भारत सरकार? लेटर लिख के हम लाए हैं, ये 80 बंदे का है, तो उसका कोर्ट में नाम भी नहीं है। और हमारे आगे के बंदे 2020 के नाम कट गए है वही। तो ये लेटर लिख के लाए कहाँ दोगे? वही ऐसे इंसान को देंगे, ऐसे बड़े अफसर को जो इनकी कार्यवाही आगे तक करे और छुड़वाने की कोशिश करे। जेल में कैसा बीता रहा था आपके साथ? जेल में तो सही सुलूक किया जा रहा था, कोई गलत नहीं कर रहा था। तो अब क्या कहते हो, भारत सरकार का धन्यवाद करते हो आप? हाँ, भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमसे आगे थे 200 बंदे वही आए, तो फिर बीच में से 80 बंदे का नाम कट गए है। अपील क्या करते हो भारत सरकार? अपील करते हैं कि 80 बंदे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कैसी खुशी है घर जा रहे हो वापस? घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे तो खुशी तो होगी ही ना, थोड़ी खुशी है। यही भी हो जाए कि 80 बंदे आ जाए तो और खुशी बढ़ जाएगी। अमृतसर तो गगन की रिपोर्ट।